मैं ना दोस्तों 90s का किड हूँ और 90s में जब बड़े हो रहे थे उस दौरान हमने एक गाना सुना था, अखियों से गोली मारे। जो गाना था ना ये लिटरली धमाल मचा देता था। जब जब ये चित्रहार में, यानी कि संडे को दूरदर्शन पर चित्रहार जब प्रेजेंट होता था उसमें जब ये गाना बजता था मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था, क्योंकि इसके साथ ना एक अलग यादें जुड़ी थी। गोविंदा के रंगीले तड़क भड़क वाले कपड़े, उनको कॉम्प्लीमेंट देते हुए नजर आती है रवीना टंडन भी उस मैडनेस में, उस पागलपंती में गोविंदा के साथ। और प्लस अगर बात करी जाए आवाज की तो सोनू निगम साहब ने जादू चलाया था और जसविंदर नरूरा जी ने अपनी एक अलग ही खनकती हुई आवाज दी थी। अब आपको बताना चाहता हूं कि हम 90s किड्स के लिए एक बहुत ही अच्छा एक नॉस्टैल्जिया है जो कि हमें पति पत्नी और वोके मेकर्स दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल में। दोस्तों इससे पहले पति पत्नी और वो का जो गाना आया था, जो मैंने बोला था कि यार टोनी कक्कड़ का ओरिजिनल वाला ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन इस सॉन्ग के लिए अखियों से गोली मारे के लिए मैं निराश नहीं हुआ हूं। चाहे वो रिदम हो, चाहे वो फन हो, वो जो मस्ती है, जो कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि गोविंदा जी के भी टाइम पे किया गया था ना, सेम वैसा ही रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। और प्लस इस पर जो बोनस पॉइंट है दोस्तों वो है कौन, वो है मिक्का पाजी की मस्ती खोर वाली आवाज। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अखियों से गोली मारे का वर्जन, न्यू वर्जन रिलीज किया है जो कि पति पत्नी और वो का सॉन्ग है। और प्लस ये कहानी में कहीं नहीं लग रहा है, ये मुझे लगता है एंड क्रेडिट में रोल डाउन होगा या फिर स्टार्टिंग में दिखा देते हैं सॉन्ग, शायद में भी ये हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एंड क्रेडिट में ही रोल डाउन किया जाएगा इस सॉन्ग को। सो ऐसे में अगर बात करें इस सॉन्ग के बारे में तो तनिष्क बागची ने इस बार मुझे बिल्कुल निराश नहीं किया और प्लस उन्होंने एकदम सही आवाज चुनी है मिक्का पाजी की। मिक्का पाजी ने इस गाने को लिटरली जिया है। उनकी जो फनी आवाज है, मतलब उनकी जो मस्ती खोर वाली आवाज है ना दोस्तों, वो जब हम सुनते हैं ना लिटरली डांस करने लग जाते हैं, और इस सॉन्ग के अंदर भी ऐसा ही हुआ है। फीमेल की इसमें आवाज अगर मैं बात करूं तो तुलसी कुमार जी ने दी है और भूषण कुमार जी की बहन है वो। ऐसे में अगर बात करें ना दोस्तों तो ओवर एंड ऑल ये सॉन्ग बहुत ही सही लग रहा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट सॉन्ग। प्लस इसमें कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर, अनन्या पांडे तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं और तीनों ही बहुत ही बेहतर कर रहे हैं काम एज कम्पेयर टू द फर्स्ट सॉन्ग। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों कलर्स की, सेटअप की, तो वो रंगीला एकदम करा गया है गोविंदा जी की चीजों को। गोविंदा जी कुछ भी अतरंगी कपड़े पहनकर आ जाते थे स्क्रीन के सामने, हमको अच्छे लगते थे वो। कभी येलो पैंट पहन लिया, कभी पिंक जैकेट, कभी कुछ, कभी ऑरेंज जैकेट, तो बहुत ही अलग तरीके के कपड़े पहनते थे वो। और इसमें भी कार्तिक आर्यन को वैसा ही लुक देने की कोशिश की है। वेल लेट्स सी, देखते हैं ये फिल्म में जब गाना आएगा तब कितना ज्यादा लोग अपनी आंखियों से गोली मारेंगे। तब तक के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको, क्या आपको भी 90s का वो एहसास जो आपको चित्रहार के टाइम पे आता था वो महसूस हुआ। कमेंट सेक्शन में सारी बातें बोल दीजिए और बने रहिए चैनल के साथ, क्योंकि राहुल भोज इसी तरीके की चटपटी बातें बताता रहेगा। आंखियों से गोली मारे, झिशकियां।